सब्सक्राइब कीजिए शर्मा फोर टेक्निकल को और दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शर्मा फोर टेक्निकल में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं PF का न्यू पासवर्ड बनाने के लिए। अगर आपके पास EPF अकाउंट है, आपके पास EPF अकाउंट है, तो आप PF चेक करने के लिए आपको एक पासवर्ड बनाना होता है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप PF चेक नहीं कर पाइएगा ऑनलाइन। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि PF का एक नया पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड बनाकर आप अपना PF चेक कर सकते हैं, खुद से घर बैठे ही अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको न्यू PF अपने अकाउंट का PF अकाउंट का न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। PF अकाउंट हमारा जो है यूनियन नंबर, उसका एक पासवर्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पासवर्ड हम बनाते हैं जब ही हम PF चेक कर पाएंगे। अगर पासवर्ड हमारे पास नहीं है तो हम PF चेक नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पासवर्ड बनाने के लिए बताऊंगा कि किस तरह से पासवर्ड बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं EPF के वेबसाइट पे, और वहाँ पे हम न्यू पासवर्ड बनाकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करना है आपको। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है epfindia.gov.in। उसके बाद यहाँ पे KYC अपडेशन नंबर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूनियन नंबर एंड कैप्चा डालकर सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डालकर इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे यूनियन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा लिखकर यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कैप्चा स्मॉल लेटर और कैपिटल स्मॉल देखकर ही डालिएगा कैप्चा, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कैप्चा अगर गलत डालिएगा तो यहाँ पे इनवैलिड लिख देगा। तो आपको बिल्कुल सही सही यहाँ पे इंटर करना है, और यहाँ पे अगर गलत डालते हैं तो आपका ये अमान हो जाएगा। सही डालिएगा तो इसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिख के आएगा। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो यस कीजिएगा, अगर रजिस्टर नहीं है तो नो कीजिएगा। तो हमारा रजिस्टर है तो यहाँ पर हम यस कर लेते हैं। उसके बाद एक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे 4 अंकों का OTP दिखा रहा है, लेकिन इसको नहीं इंटर करना है, एक और OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नया पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो हमारा OTP आ चुका है, हम OTP यहाँ पे इंटर कर देते हैं। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी आप पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे आपका जो भी नाम है ABCD@123, इस तरह से आप पासवर्ड बनाइए। उसके बाद सेम नीचे भी कंफर्म पासवर्ड वही होना चाहिए जो आपने ऊपर डाला है, स्पेशल करेक्टर के साथ ही होना चाहिए, कुछ नंबरिक होना चाहिए, कुछ कैबेट होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिख कर आ जाए कि आपका वेरीफाई, आपका पासवर्ड जो है कि सक्सेसफुल चेंज हो गया है। उसके बाद यहाँ पे यूनियन नंबर एंड पासवर्ड डालकर, जो अपनी अभी पासवर्ड आपने बनाया उस पासवर्ड को डालकर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे यूनियन नंबर एंड पासवर्ड एंड कैप्चा डालकर यहाँ पे आप लॉगिन करके अपने अकाउंट में जा सकते हैं, और आप कुछ भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने लॉगिन
यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड यहाँ पे डालकर इंटर कर लिया हुआ है। यहाँ पे कैप्चा भी वही इंटर करना है जो सेम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन कर देना है। साइन इन करते हैं आपका अकाउंट जो है खुल जाएगा और अपना पीएफ चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा अकाउंट खुल गया है। इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पीएफ का पासवर्ड बनाने के लिए बताया हूँ। तो आपको सब कुछ क्लियर मैं बता दिया हूँ। कहीं पे आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।